Okay, I think we are live. Greetings, everybody, on this event of book release by Padma Shri Dr. Soppori ji. And I'm requesting Divyansh to begin with the holy gaunch of Ganesha gaunch, Shankh Dhwani. Thoda distance se rakho peeche se. Jai Gurudev, Om Namah Shivaya, Jai Jagat Janani, Jagat Amba. And now I would like to say a few words regarding this event, that is, two books which are to be released today are Sri Sharika Stuti and Jeshta Pradurbhav. Both the books are wonderfully come up, and now I would like to begin with the holy Vandana of Ganpati ji. Ganpat Rai Gadchu Vegna Hara Ganpat Yar Bihichu Siddhidata Ganpat Rai Gadchu विघ्न हरा गणपत यार बिहिचु सिद्धदाता गणपत राय आदि देव सिंदर रंगई गणपत यार बिहिचु सिद्धदाता गंश बल पर्वत छुच जय जय मूलाधार निश गड़ निक पावे दंडवत प्रतका भाव पोज बावे अज्ञा प्रवृत्ति अदछुई अभय गंश बल पर्वत छुई से जय जय गणपत राय गड़ छु विघ्न हरा विघ्न हरा विघ्न हरा. सो बीइंग एब्सेंस टू गणपति, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. जो अभी हमारी ज्योति जी भी आई हैं. ज्योति जी, मेरे बोलने के उपरांत में आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमें बताएंगे अपने पर्वत में जो जाते थे आप बचपन में, वहाँ के अनुभव कैसे रहे. मीठे अनुभव बेशक रहे होंगे. दो स्वीट मेमोरीज वी'ड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. एंड ऑल्सो द स्वीट पोइम ऑफ जया जी सिब्बू दैट यू हैव केप्ट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम. प्लीज प्रोसीड while unmuting your mic. Namaskar everybody, thank you so much for inviting me for today's event. So this is also, this is Magh Paksh right now, and I remember during Magh and Navratra times, people in Kashmir, all of all ages, young and old, used to go to Hari Parvat during early morning times. I myself have accompanied my mother many times, and I used to go with her to Hari Parvat during this period only. I remember while doing the parikrama of Hari Parvat, many old ladies, while they used to down the Hari Mandir, they used to give call to Mata. They used to say, "Hey, merge Hari Kastam Gamt Khari," which means, "Oh, Mata Hari, just take away all my worries and all my sorrows." So this is the way the people used to live there, and this was their ritual they used to follow every day. Now, going ahead, I will recite a poem, Stuti, which is written by Sri Srimati Jaya Sibuji. The name of Stuti is Sri Sharika Stuti. Mata chak ashtadash bhaja
श्याम सुंदरी शिव शक्ति एक रूपनी पान भुवनेश्वरी वनांसरी श्रेयतरा ज राजेश्वरी मातृकायन हंस काय वन पान कामेश्वरी सद पीठस पैठवा चोन बनिथ सर्वेश्वरी बिंदु त्रिकोण वस्कोन हेथ सान ज्ञानीश्वरी दशार भुगमस मजवच्छमक राज राजेश्वरी शेर हे लागे सिंदरे टुक जय माहेश्वरी खस वुनिस वस वुनिस त्रिकोणस मज छो निवास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करा अथंदरवास पान शिव शक्ति हुंद चक्रस मंज आबास सैन्य बन के से पेठ छुई में विश्वास खुमफट शब्द बनिथ तांडव कर नोथन महेश्वर ए इलाहिम सान ग्रस नोथंस जगतीश्वर हस कह लहिम शब्दस मंज छु सक्रीश्वर सक लहिम नादस मंज बनित अर्ध नारीश्वर टाकार बुछमक शारिका लागन तति दरबार येति हुर्य अठम दोह प्रकटांश ओंकार आम श्राम श्राम शारका छक मज पन साकार पादन चान्यन परन प्यमय पूजा म्यान कर सवीकार शेहे लागे लोल पोषण हुंद दसता अहम शब्द क्या छू छू मन का अहंकार शून्य अवस्थाए चान्य वानान मार ब्रह्म द्वार ये तेन सान शारिका बनित शिला तन साकार शारिका छक नव सकरन हंज नवदार मूल प्रकृति पान बने मसिख त्रिवल्या का शब्द शक्ति अज्ञानस करा छख समहार जया छिकाय सोजान पोषम बार जया छिकाय सोजान पोषम बार थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत ही सुंदर स्तुति आपने सुनाई। शारिका के प्रति ऐसा भाव, परम भाव तो कश्मीर के निवासियों को तो है ही है। फिर वहाँ पर हमारी ललेश्वरी हुई, रूपा भवानी हुई, रूपा भवानी तो शारिका अवतार ही थी, अंश अवतार थी। तो अभी मैं एक ललवाख से भी शोभित करना चाहूँगा। इस सुंदर ओकेजन है हमारी, हमारा बुक रिलीज है। शारिका और ज्येष्ठा जो दोनों एक ही भगवती के स्वरूप हो सकते हैं, मगर हमने इनको जितना मतलब भोगा है वहाँ पर हम आते जाते रहते थे। कितनी सुंदर बातें आपने बताई अभी। तो एक ललवाख मैं सुनाता हूँ आपको, क्योंकि वाक शुरू में ही गाया जाता है। परत पान यम सुमी मो परत पान यम सुमी मो यम ह्यू मोन दन क्यों रा
Yemisi Advai Mansa Punun Tami Dutum Surgarna Tami Dutum Surgarna. इतनी सुंदर यादें हैं हमारी कश्मीर से, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ से हमें बाहर फेंक दिया गया. चलो वो भी एक अनुभव था, कटु अनुभव, मगर उस कटु अनुभव के बीच में हम सब खुश खुशहाल रहने की कोशिश में हम अभी विरोनिका जी को आमंत्रित करते हैं. आई विल इनवाइट विरोनिका जी टू रिसाइट अ पोएम, a beautiful poem that she has kept for this event. Please unmute your mic and proceed. Namaskar everyone. Thank you Dilip ji for inviting me here today, and thank you Jyoti ji for such a beautiful recitation. And now in continuation with this, I will recite one poem that is again written by Jayaji Sibbu. A very beautiful poem that she has written. Agyan kandkar vanitam gyanuk chom jaldi zalitam andkaruk tyambar mikasitam परमार्थुक सार बोझलावतम संवित स्वरूपुक योग साधनावतम कर्मची सदनाई मंजथावतम सद्भावच दिशा मेहावतम तम कोई श्री प्रकाश हावतम दीक्षादितम दीक्षादितम परोपकार छे सठा बड़ भावना अमिच पालना चख साधना सठा सुमरावन चिमृग तृष्णा ओम दर रावन रोजन गई धारना तीवर रता वंच शैवी प्रेरणा दीक्षादितम दीक्षादितम ऋषभावुच रोज नमर्यादा वचनस अंदर छफरियादा जागृत तीछो संयम त्रेदा अध्यात्म छे देवी ख्युदा दीक्षादितम दीक्षादितम गौर शेष भाव छ अख तपस्या यस गय निच छ अभीपसा शहकारुन वालुन छना समस्या दीक्षादितम दीक्षादितम अहंकारस वनान छीय अभिमान साहस सती रुज तनम परजान पत्मी गरे रुज तनम शद ज्ञान गच्छम नाम शित तमिच संज्ञान अथमा वनान चितवै वे ज्ञान अथमा वनान चितवै वे ज्ञान दीक्षादितम दीक्षादितम वाक सम्रन माज लले हुंद ध्यान
सुहं सोचो अम्युक थोद प्रमान शाखारुन वालुन छो प्राण अपान यकुत करुणागौ व्यन समांत उदान सम्यक स्वरूप छो अलखीश्वरी हुंद निर्वाण दीक्षादितम दीक्षादितम निष्कामिकामे करनावतम विदुच व्याखा भोजनावतम शैवी वृत्तिका परनावतम वाखस सुती जान करनावतम मदबे अंधकारुक मुहगालतम संतोषुक अमृत में चावतम दीक्षादितम दीक्षादितम प्रत्यभिज्ञा शास्त्रुच भोजनावतम अध्यात्मुच हाव तम वन्य छोट वथा शिव छो विवेक शब्द संयर था भक्ति भाव का सान छिसरी व्यथा ओम अज पा जप छिसहज गृहस्थी प्रथा दीक्षादितम 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 थैंक यू एवरीवन। वारिया वारिया जान बड़ सुंदर बड़ मधुर आवाज में गुरु ता ये प्रस्तुत तो बिचुस मतलब विचान के किता भाव शिवान अभिव्यक्त करन मगर ती है क्या संभव सब्जित कि ये ले ऐसी शारिका हिंस कात करो तो शिवनाथ हिंग कात करो न तिहंस बारात विचाव ने कित पर छी इवान तो थोड़ा सा गुनगुनाओ इशो मैं गुरुदेवन पंडित कृष्ण लंगोजियन कंपोज करमुत ती ओसा से वारिया ब्रोंट रेडियोस खतर रिकॉर्ड करमुत यात्म सैन कशीर छवि ती छे तो बे कैज के यूजन यूजन म्योन समझुन छु या मैं बूझबुत छु पन्नन गुरुजनन निश एवरी सोल इज इनिशिएटेड इनटू द स्कूल ऑफ this goddess or school of Shiva, whosoever is born on the soil of Kashmir. Vasan ich varya poz to tavai sh atken lokan so samaj so matlab niyat so bhav to magar yimo so ye yim taminish dail te timan ch matlab bhagwani sahayakas to wo bojnavi ke band bojnav yim season me vasan akso हेर चुन भाव तो बा शिवनाथ यह बरात हथ क्या गंद ब्रो ब्रो रथ सवारे हरी यंद राज ब्रोण ब्रोण रथ सवारे यंद राज ब्रोण ब्रोण रथ सवारे हर आवर ने दीवा दीदी हर आवर ने दीवा दीदी हर आवर ने दीवा दीदी देवता गुलगंडे प्रारान वारे देवता गुलगंडे प्रारान वारे दीनादर्शन कर हो सी दीनादर्शन कर हो सी
दमन अनुग्रह कर कर उन जगत तारे हर आवर में दीवार दी अनुग्रह कर उन जगत तारे हर आवर में दीवार दी हर आवर ने दीवार दी हर आवर ने दीवार दी यंद राज ब्रोड ब्रोड रथ सवारे हर आवर ने दीवार दी हर आवर ने दीवार दी हर आवर ने दीवार दी सोचुस अर्दल गड अनवारे सोचुस अर्दल गड अनवारे अज्ञाय प्रारान सरी जी अज्ञाय प्रारान सरी जी तपान टोठान तस युस मन तस तारे हर आवर ने दीवाद दी तोठा तस युस मन तस गारे हर आवर ने दीवाद दी 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 पज दिल तम सुन ध्यान उस दारे पज दिल तम सुन ध्यान उस दारे शिवना नारद तई शक दी शिवना नारद तई शक दी शिव मख सख प्राउपति में प्यारे हर आवर ने दीवाद दी 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 यंद राज ब्रोड ब्रोड रथ सवारे हर आवर ने दीवाद दी हर आवर ने दीवाद दी हर आवर ने दीवाद दी नवसन बरसों सुमाहुल अशिबासन बरात आई वंच हेरत ती इनवाजे शिवरात्रि आने वाली है विल एंजॉय दैट पूजा एंड ऑल दोस सेलिब्रेशंस एंड दिस इज हाउ आवर कम्युनिटी लिव this entire Shaiva Drishti, Shiva philosophy. This, I think यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर मैं बात कर रहा हूँ तो मगर हमने आप लोगों से ही सीखा है कि ये हमारा जीवन ही वो शैव सिद्धांत और शाक्त सिद्धांतों पर आधारित है हमारा जीवन ही वैसा बन गया है क्योंकि हम इस स्वरूप में जीवन को जीते ही तो हैं हमारे अनेकों रिचुअल्स अनेकों चीज़ें जो हैं वो बस यही संदेश देती हैं कि हमें हमारा जो जीवन है वो कितना आत्मीयता से भरा हुआ है और विवाहों में शिव पार्वती का विवाह ही तो होता है हमारे हर एस्पेक्ट में अर्धनारीश्वर बसा हुआ है वी हैव everywhere Bhairava and Bhairavi present everywhere in every aspect and every life we see it every day every moment so I will go for the video of respected AD Vishanji Pandit AD Vishanji which is regarding Sharika Stuti he is the publisher and done this great job by publishing these precious works, precious book. I will play this first video that is about his views on Sharika Stuti. Sarva Mangala Mangale Sarva Sahadike Sharande Tramke Gauri Narayani Namo
मैं ये कैसा वन ओस कि वन में ये किताब हिंदी फारो क्या हो कि परमार्थ किताबन सीधन तरन सीख परमार्थ अनुभूति दया तुम शायद कहें बदल बुझे ओसमत शायद का महाता हूँ परक्रम जवान ऐसे पिताजी उनकी हुकुम आखें वो उस आदत के साथ रिंगवाई की इत मदन छे में कें कें ये में अनुभव गमी कि दया छे माजीन शरण छे तेमिस गसन के यूजन मनक उधार छे सके रिसोई मगर ऐसे शेर नवित इमसे गसन भाव से भाव से बास मे उस इमस माता शायर का हूँ सच उस मुझे इमसे करें कि इस गसान हो रोल सान यो सुन ऐसे पन्न खास पन्न माता हिसाब से खसान हो किल्लस पे देखिए स्तकरी शर्त से जरूर मुझे बात है कब से चला रही है अंपद उस पराम मैं इमसे ये अर्ला शुरू की इमसे में जरा तरी थी गए मैं बड़ मल उसमें ये मल दिवान समझ उसमें की दिवान चुकिया ये मगर रास्त उसमें दिवान पद सब दिन सिद्ध संपर्क में जो उस माता हूँ जैसा तुम से उसे अपने आ मैं को डॉक्टर शमल ही रहना स्वयं की सकर थोड़ा वो व्याख्या है व्याख्या है थोड़ा बहुत गसा आज क्या व्याख्या कैसे बहरहाल ईश अभिव्यक्ति मन से ही खुश होकर आ चुके हैं आत्मज को चमन जन वारिया में मोन मन प्रसन्न यह आज मे मतलब वन मोन मन के वन ये कांखा कि ये बहुत पान बड़ मान खुश गई मनस में ये कामना कि यह गुस् ब्रोह कुन वात कह पढ़ यह किताब दौ खो दौ से लुत् ग मन व्यापूर्ति मगर तिकरी ती कें तत्व कुलदीप जी ती जन वे सोरे कान बड़ मेहनत अम सी गुत बड़े रिगार्ड बड़ प्रेम कर मे यूत योत वन कि इस किताब लेखन आए यह गोस अम ब्रो कहन अम ग प्रचार जो गुन कहीं लेखन मज नान कहें योतान ये ब्रो कुन वा मन कांचा से मैं बहुत चमन वाल जी आबरी मे अम सी गहनी
जया शिवुन थी, बड़े प्रेम से भी आदर थी कह सुशीलर जी जगन्नाथ जी शिवुन शी वॉज ए सोच बट रियलाइज सो। तो इस वास्ते तुम सुन थी मैं बड़े रिगार्ड भगवान शुभ दपान कि ये जो कैश कैश किताब वात वात और गुस् रोज ये गुस् पढ़ने अमे गुस् व्याख्या गुस् ये पढ़ने सारे नीश अम पढ़ने सीजन अम सीजन देव मज अनुग्रह कर गम से श्रद्धा विहीन अस दी सु प्रेम मज शायर का अथ ये कोरोना टाइम मे बस दह मन अभिलाषा मन मंशा अक्ति जीव जैसे वन करान हावन हूँ पान तथ मे गुस् सोरी पढ़ने भगत बगरान कताब तो तथ मे चमन जैसे मे ये डॉक्टर साहबस विनती कि यह किताब लेखने ये किताब से घर तढ़ अति पढ़ना पान तिहन अत सोको समय मगर तरह अगर कह घर अत मो तथ सनो तम सो अनुभव किस सत्रस परमार्थ अनुभव अनुभव से दिवान पत माता ओर तम सो वंदे महाराजा वंदे शारिका जगत गुरु ये गुरु सदा पातु सर्व सारस्वत प्रदान ओम चाम जानु शिवा पातु ओम आम जंगे अवतादुमा ओम प्राम पादौ सदा पातु राजमातंगिनी मम ओम ह्रूं पदाज मूर्धांतम वपुर मे पातु कुब्जिका ओम श्रीं मूर्धाज पादांतम वपुर मे पातु शारदा ओम ह्रीं सप्ताक्षरी पातु शारिका सकलं वपुः पूर्वे मां पातु ब्रह्माणी वहनौ। आई विल रिक्वेस्ट राजेंद्र प्रेमी जी टू कम इन to say a few words about Sharika's two books, his thoughts on these two publications, and throw some light on Dr. Chamanlal ji's works. Unmute yourself, Rajinder ji, and press please. Okay. In the meanwhile, I'll be checking what else we can do. Okay. Please proceed. नमस्कार, एम आई ऑडिबल दिलीप जी? यस यस यू आर ऑडिबल। नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज टेक्निकल ग्लिचेस, वी हैव सीन दिस। यस यस, ये माता की ही इच्छा है जी, और इसमें भी अच्छा है, इसमें भी भला ही है हमारा जी जी। सो वी शुड नॉट बी बॉक्ड डाउन एंड वरीड अबाउट दीज स्मॉल टेक्निकल ग्लिचेस, नॉट एट ऑल। सो आई एम प्रिविलेज्ड हियर टू बी इन दिस सेशन, एक्सटैटिक सेशन। Thank you, Varnika ji, and thank you, Jyoti ji, and Dilip ji also for beautiful, soulful songs. Thank you, Jaya ji, for soulful recitation of the songs. I will straightway come to the point. I'll speak something about Dr. Chamanlal Raina. Dr. Chamanlal Raina, a proud Kashmiri Pandit of the exiled Kashmiri community, after forced displacement, now he is settled in Rajasthan. He is a frontline name in comprehensive religious philosophy. He has honors in Urdu from Aligarh Muslim University, masters in Hindi and English too. He has also studied mathematics and Sanskrit. He has his PhD on the philosophy of Aurobindo ji from Kashmir University, Srinagar. Esteemed for more than 50 years of his research of the religions of India, he is highly respected Indologist
and a scholar of repute. Dr. Raina has authored about 36 books, which includes The Agmin Shakti, Chandi, which is related to the ritualistic yajnik pattern of the Sri Chandi, now Durga, and has written commentary for Sri Lalita Sahasranam, the Indrakshi and the Shiv Sutras. His most recent book, Shakti Upasana Rahasyami, was released last year. Dr. Chamalal Raina not only writes, but lectures in English, Hindi, Kashmiri, Sanskrit, and Urdu also. His advanced research based books on the Shakti traditions, including the Rajna Sahasranaman, Kashmir Shakti Darshan, and Bhavani Sahasranaman. Dr. Raina is also an expert in the cultural heritage, traditions, and religion of the Kashmiri Pandits. He has also written in Sanskrit the Kulam Geetam for Trikashiva Ashram. A doctorate in Iqbaliyat from University of Kashmir, Srinagar, he has worked on research projects of Iqbal Institute of Kashmir University. Dr. Raina has studied the Shiva and Shakti scripture from the traditional system of Kadi Vidya of Kashmir. His two books being released today are Jeshta Pradurbhav and second book, Shri Chakra Sutriti, with subtitle Pri Bindu Tarpan Para. A brief of these two books is as under. Number one book, about which Dilipji said, Jeshta Pradurbhava, is the translation of the sacred text related to the appearances of the Lakshmi as Jeshta. The divinity plays its role in manifestation, as is said in the Bhagavad Gita. So did Lord Shankara perform the role of deluding the Raksha near the present Jeshta. Himself Shiva is called as Jeshteshwara. The second book, Shri Chakra, subtitle with Pri Bindu Tarpan Para, thus Sharika Parvat, is the Shilanatana aspect of the Divine Mother, who is with 18 arms, as depicted in the Sharika Sahasranam. The only Devi in Kashmir Agman who is with 18 arms is Shri Chakra. Chakreshwara, a puja, is the bij root and the seed of the Kadi Vidya, well explained in this book. This is the small which I could understand from these two books. Dilipji, thank you. Organizers, thank you. Thank you once again being a part of this prestigious and ecstatic program. Thank you. थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने बहुत ही संक्षिप्त में इतना सब कुछ सुनाया है और मुझे लगता है कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं. जो शारिका स्तुति और ये दो पब्लिकेशंस अभी हो रही हैं, जिनका विमोचन हो चुका है और ये विमोचन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर सोपुरी जी के हाथों हुआ है, वो भी हम आ रहे हैं, उसी ओर आ रहे हैं. और ये पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है, वो ये है कि जिस दिशा में काम हम चाहते थे हो, तो ये उसी दिशा में काम हो रहा है. और ये एक हमारी ऐसी संपदा है जिसको समाज में सबके पास होना चाहिए और लोगों को इसको प्राप्त भी करना चाहिए. अपने प्रारब्ध से तो हमारे विद्वानों ने, हमारे संत मुनियों ने हमारे प्रारब्ध को बहुत सुंदर संजोया है और वो ही इन पुस्तकों के रूप में आगे आ रहा है. और ये एक निष्काम कर्म की जो भावना है हमारे विद्वानों में, हमारे जितने भी जिन्होंने पब्लिश किए हैं, उनका महान योगदान है. तो ये सब तक पहुंचाना ये कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा ये है. आपने अभी जो सुनाया उसके बाद में आता हूँ, ये ज्येष्ठा प्रादुर्भाव की जो पुस्तिका है उस विषय में मैं इसकी लाइनेज की जहाँ से कहाँ से सोर्स
कहाँ से इसका इसकी यात्रा शुरू हुई, मैं आदरणीय रामकृष्ण जी से निवेदन करता हूँ आप अपना जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट करें और इस पर पूरा प्रकाश डालें और इसकी यात्रा के विषय में, और इतना ही नहीं मगर उस स्थान के बारे में भी कुछ कहें, अपने निजी अनुभवों के बारे में कहें, और इस पुस्तक की जो विशेष यात्रा कहाँ से आई है, कैसे विभिन्न आयामों में व्यक्तित्वों ने विद्वानों ने इस पर बहुत बड़ा वृहद योगदान किया है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज प्रोसीड। थैंक्स दिलीप जी, नमस्कार सारी। मैं पहले अपनी इष्टदेव माता की मतलब थोड़ा सा उनका ये करूंगा, स्तुति करूंगा। माता भवा नीचिपिता भवा नी बंदुर भवानी जुगुरु भवानी विद्या भवानी त्रिविनम भवानी यतो यतो या निततो जय माता। ये ज्येष्ठा प्रादुर्भाव का इसको जो लिखने वाले हैं पंडित जगन्नाथ जी सिबू, इनके इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इसकी जो हिस्ट्री है, ये बॉर्न हुए अलीगढ़ में, पहले इनका जन्म हुआ था पराशर गोत्र में। इनके ग्रैंडफादर थे, उनको हम वासुदेव यक्ष जी कहते हैं, वे इनके ग्रैंडफादर हैं एंड मेरे वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वासुदेव जी थे, इनको महाराजा ने उपाधि दी थी बृहस्पति जी को, इन्हीं के कुल में इन्होंने जन्म लिया था। और इनके अपने दो भाई थे और पंडित जगन्नाथ जी के, वन वॉज पंडित काशीनाथ, ये मतलब काशीनाथ काशी बाबा है, वो विरक्त साधु थे एड रहना वाली, उनकी ना शादी हुई थी ना कुछ। एंड देन इनके एक बड़े ब्रदर भी थे। तो इसका क्या हुआ फिर, मतलब पंडित जगन्नाथ जी को गोद दिया, उनको गोद लिया सिब्बू फैमिली ने, क्योंकि उनका कोई चाइल्ड नहीं था, तो वो वहां पर चले गए। तो वहां से इनका ये यात्रा शुरू हो गई, मतलब सिब्बू डायनास्टी, तो वहां से उनका यात्रा हुआ। इनके मामा जी अ ग्रेट सेठ, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, उनको हम पंडित जी के नाम से बोलते थे, पिताजी के नाम से बोलते थे। उनका नाम था ऑफिशियल नेम पंडित नीलकंठ शर्मा जी, और उनको एक निकनाम नेम भी था उनका, उसका नाम था पीताम्बर जी। ये गुप्त साधु थे, ये ऐसे गुप्त साधु थे कि इनके बारे में मेरे को शेयर किया इनका जो भी कुछ था, मतलब जो कुछ मेरे को जानना था। तो मेरे पिताजी के भी मामा जी थे ये,
वो ज्यादा नहीं कहते थे इनके बारे में, मेरे को बाई चांस माता जी का ही आशीर्वाद से और इनके आशीर्वाद से इनके जो एक शिष्य होते मतलब थे जो शिष्य वैसे थे भगवान गोपीनाथ जी के, तो ही वॉज ए तुलामुला, वो तुलामुला में रहते थे, ही वॉज ए सेशन जज इन साउथ इंडिया सर्बिया, तो उन्होंने संन्यास लिया था और फिर चले गए थे भगवान जी के शरण में, भगवान गोपीनाथ जी के शरण में। तो भगवान जी ने इनको भेजा इन्हीं के पास, नीलकंठ जी के पास फॉर दीक्षा, जो भी दीक्षा थी इनकी, तो वहां पर ही शुरू। ही टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग। एक बार मैं घर में बैठा था, मेरे अपने पापा जी के पास, अपने फादर के पास बैठे थे ऐसे ही, तो पंडित जगन्नाथ जी आ गए, इन्होंने मेरे को कहा, मतलब अपने अपने ब्रदर को संबोधित कर रहे थे, तो मैं भी वहां पर बैठा था, तो कहा कि मैं अपने मामा जी के, उनको उनके तो दोनों के एक ही मामा जी, यही मामा जी थे, तो हम गए थे वहां पर। तो मेरे मन में था कि कुछ मैं लिखूं, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुस्कुरा के मेरे को कहा कि अगर तुम्हारी लालसा कुछ लिखने की है, ये एक हस्तलिखित पुस्तक है मेरे पास, इसमें से आप ज्येष्ठा माता का प्रादुर्भाव लिख लीजिए, इसमें ज्येष्ठा प्रादुर्भाव दर्ज किया है, तो इसमें से ले लीजिए। तो वहां से ही पंडित जगन्नाथ जी ने वहीं पर इसका कार्य शुरू किया, तो इन्होंने अपने इसमें से दो श्लोकों में सब कुछ ले लिया वहां पर, जो कुछ लेना था। इस पुस्तक में उन्होंने, इट वॉज आई थिंक फर्स्ट रिलीज 1988 में पहले रिलीज हो गई थी, ज्येष्ठ पंचमी को, जिस दिन प्रादुर्भाव दिवस माना जाता है ज्येष्ठा भगवती का। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें भी भैरवी और भैरव का ही जो डायलॉग है वही डायलॉग इसमें है, फिर इसमें है जो लक्ष्मी देवी का आना हुआ, लक्ष्मी देवी का समुद्र मंथन के बाद जैसे भी आना हुआ, विद हर उसी माता के साथ ही इन मतलब महादेव ने ज्येष्ठा देवी और उसके साथ ही एक अपने भैरव का उनका भी मतलब ये कर दिया, मतलब प्रादुर्भाव हो गया उनका भी उसके साथ ही। जो अब ये मतलब ज्येष्ठा माता का है, इसके बारे में पंडित जगन्नाथ जी ने लिखा है, पंडित जगन्नाथ जी इसमें लिखते हैं, एतित सदकरम स्थान में तत् वृद्धि करम तथा कलो सजस्त फलदम भुक्ति मुक्ति करम तथा, ये तीर्थ सिद्धि और वृद्धि देने वाला है, विशेषता कलयुग में ये तत्क्षण मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा इहलौकिक सुख देने वाला है। ये श्री संहिता की गाथा में से एक है। इस महात्म्य का जो मतलब महात्म्य में ये किया हुआ और ये सिद्ध होता है कि ये तीर्थ जो है ये प्राचीन काल से कश्मीर का एक प्रमुख तीर्थ रहा है। तो इसी को अपने हाथ में लेके पंडित सिब्बू साहब ने, पंडित सिब्बू जी ने, मतलब जो कि पिता मतलब हमारे जया जी का, जिनका अभी आपने सुना, जिनके आपके आपने मतलब आई डोंट से दी सॉन्ग्स, मैं ये सॉन्ग नहीं मानता हूं, इसको हम कश्मीरी में वुजन कहते हैं,
मतलब दिस कैन नॉट बी सॉन्ग. सॉन्ग होता है कि आपने कोई चीज ऐसे ही नेचर में देख लिया तो मतलब उसके बारे में लिख रहे हैं. जया जी ने जो कुछ भी लिखा है मतलब इन मतलब अपने इसमें, तो मेरे को इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है इसमें बीज अक्षरों का ही इन्होंने दिया हुआ है. सो इट कैन नॉट बी ए सॉन्ग, यह कोई कविता नहीं है. इसको मैं कश्मीरी में वुजिन ही कह सकता हूं, ये वुजिन है. और ये जो मतलब जगन्नाथ जी है आदरणीय, ये हमारे डॉक्टर रैना साहब के फादर इन लॉ है. डॉक्टर रैना जी इनके पास भी आया करते थे, मतलब इनके फादर इन लॉ थे, पिता समान. तो सिब्बू साहब आई थिंक आई वॉज मतलब जो मेरी नजर में है, ही वॉज द ओनली मैन इन कश्मीर जो कि ललिता सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम का पाठ करते थे. ये ललिता सहस्रनाम का यज्ञ करते थे, मतलब ये मेरी नजर में पहले थे. और दूसरे संत जिनके बारे में मैं जानता हूं जो ये करते थे ललिता सहस्रनाम एंड जैसे ये सुंदर लहरी का पाठ करते थे, ही वॉज राघवानंद जी. राघवानंद जी तो जो अमृतानंद जी थे, अमृतानंद के पास भी इसकी फॉर्मूला थी, इसका रिसाइटेशन जो है इसका एक फॉर्मूली है, मतलब कीज है. वो एक गुप्त की है, मतलब जो कि एक गुरु अपने शिष्य को देता है. दैट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल, वो किसा आम चीज नहीं है. वो एक गुरु अपने जो उसका शिष्य बिल्कुल ही जिसके लिए वो जिसको लगेगा कि ये योग्य है इसके, ये उसी को ये की दी जाती है उसकी. एंड जो इसके बारे में मतलब जो भी है, मतलब इसमें एक जगह हम शारिका स्तुति में हम पढ़ते हैं, जो शारिका की हम आयुध पूजा करते हैं, उसमें एक जगह आता है गोविंद बगनी. गोविंद बगनी एक मतलब अब नाम दिया है शारिका, शारिका माता का. तो उसमें जो गोविंद बगनी है, गोविंद बगनी वास जो श्री कृष्ण की जो वो माया के रूप में बहन थी, जिनका हम विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी भगवती जिनको कहते हैं, ये इसी श्रृंखला में आगे आगे चल के मतलब इनका जो प्रादुर्भाव है उसी के साथ ही मेल खाता हुआ आगे नजर आता है. ये इन्होंने इसमें दिया हुआ है अपने इस पुस्तक. एंड मेरे को जितना भी इसमें इन्होंने सिर्फ एक का एक श्लोक पूरा दिया हुआ है उसका अर्थ किया है, एंड सेकंड इन्होंने श्लोक नहीं लिखा है, उसका सिर्फ अर्थ ही दिया हुआ है. बाकी डॉक्टर रैना साहब ने इसका बहुत ही फर्स्ट क्लास बहुत ही बढ़िया से अंग्रेजी में व्याख्या की हुई है. तो इसके लिए किसी को मतलब मेरे ख्याल से अपना अनुभव उन्होंने भी लिखा है इसमें, तो हम सब जब इसके मतलब देखेंगे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो शायद उनका अनुभव, डॉक्टर साहब का अनुभव भी उसमें काम आएगा. वैसे अपने अपना अनुभव श्री सिब्बू जी ने पूरा लिखा हुआ है, तो अब डॉक्टर साहब ने इसको ही हैज एडिट टू इट, मैं इतना कहूंगा ही हैज एडिट टू इट, तो वो भी बहुत ही काम का मतलब चीज है. तो इस देवी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं. तो सिर्फ एक चीज और कहूंगा कि इसका वर्णन जो है, एक नाम इसमें ललिता सहस्रनाम भी आता है. ललिता सहस्रनाम है इनका एक नाम वर्णन है, ज्येष्ठा, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः. ज्येष्ठा जो है, ज्येष्ठा
देवी का नाम जो है वो ललिता सहस्रनाम में है एक जगह। तो मैं अब शारिका माता की तरफ थोड़ा सा अगर टाइम होगा आपके पास तो मैं अपनी मतलब शारिका जी के बारे में स्लाइट एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्लीज प्रोसीड। क्योंकि उसके लिए मतलब आज तक बहुत सारे संतों ने हमारे मतलब जो हमारा पिछला वेबिनार भी था श्री चक्रेश्वर पर, तो उसमें उस जगह का वर्णन हुआ लेकिन थोड़ा सा कम उस जगह का हुआ। वो जगह है जहां पर सिद्ध लक्ष्मी का मंदिर है, जो हम परिक्रमा करते करते जब हम पहुंचते हैं सिद्ध लक्ष्मी अम्बरपोल के मंदिर के ऊपर जो है स्लाइटली नीचे जाके वहां पर वामदेव जी का स्थान है। तो वामदेव के बारे में, वामदेव जो थे वे रहे हैं जो स्कंद पुराण है उसमें उनका भी योगदान है लिखने में थोड़ा सा, मतलब उनका कुछ मतलब ऐसे काम है कि मतलब वो मतलब ये नहीं कह सकते कि हम कि कितना काम है क्योंकि वो उतना लाइट में नहीं है। सेकंडली मेरा अनुभव जो है जो शारिका जी का ये है मतलब दीज टेन उसमें जो उनके टेन प्रेजेस है दशमों की जो है उसमें, तो उसमें भी इन वामदेव जी मेरे ख्याल से ये वामदेव जी का ही वामदेव जी के ही द्वारा रचित रही है। वामदेव जी का जो बेर कार्य है दैट इज बहुरूप गरबा, बहुरूप गरबा जो कि इतना पावरफुल माना जाता है पूरे हमारे इसमें, वो रुद्र मंत्र चमानबाग जिसको हम नमक चमक कहते हैं मतलब इन दिस शास्त्र वर्ड्स नमक चमक, क्योंकि एक में नमा आता है एक में आता है चमे मतलब इसमें महादेव के इसमें, तो उसमें मतलब उसके बराबर ही इसका भी ये माना जाता है। इन्होंने मतलब ये एक जगह इन्होंने लिखा है धनम पुत्रम सुतानंद दारानंद गृहम यदुते माम कम तत्मन्म शिवा पातु वाम देवो चद ईश्वर। ये इनकी मतलब रचना है जो वामदेव जी की ये रचना है। तो इससे पहले मैं एक और श्लोक पढ़ूंगा जो हमारे सिंभू साहब को बहुत ही पसंद था, जो कि उन्होंने एक बार रिसाइट किया था एट हारी पर्वत। मैं वो आपको सुनाने से मतलब थोड़ा सा उसका सुनाऊंगा आपको, तो उसके साथ ही मैं आगे चाहूंगा। आदार भूता जगता तमेकाम ही स्वरूपेन यता चितासी अपाम स्वरूपस थितिया त्वये तत् आप्यायते कृत्सन संगमं गरीवीर्ये विद्या समस्ता तव देवी बेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत सु तो ये कया पूर्तम अम बुयाई तत काते स्वता व्यतपरा परो तिमुक्ति। ओम नमः पार्वतीपति नमः। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी ने जैसे इसको अभिव्यक्त किया बहुत ही सुंदर। मैं चाहूँगा कि
कि अब जो बीच वाद्या वाद्या धन्यवाद वेशिंजियन योसन बड़बार सेवा कर मिच इट्स अ ग्रेट सर्विस टू ऑल ऑफ अस द एंटायर कम्युनिटी एंड द मैनकाइंड बाय पब्लिशिंग दीज प्रेशियस वर्क्स एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट for the another video on Jeshtha Pradurbhav to be played. Please proceed. Sadar Nivedanam Sadar Nivedanam Atishobhaniyam मुक्ति भक्ति प्रदानी महामोक्षमनिहि विद्याम्बुजम्भेष्मे सदा भय हरे भक्तानामार्थनाशिनिहि दुख दुर्लिष्ट शमनिहि ज्येष्ठ श्री नुस्तुते वंदे ज्येष्ठ श्री सर्व दुख बयहर मिशमर देवन अकेले कि नकुर गमित ज्येष्ठ श्री गसान जी छे जैसे से सुना ने प्रस प्रस वाय तो जेष्टा लोग जी नि ते के आरती हिन करान बाकी चीज करान ते छे नाग हम से तस्तिक पन पिठन मन सुठन आरती बावान के सब मन मगर यो उस न पता ये जेष्ट के श्री हुन छुक्या प्रादुर्भाव क्या दे किसके न्याय क्या तो क्या गसान अमन विनती कर थोड़ा बहुत त्र प्रकाश ज्येष्ठा माता हंद प्रादुर्भाव डॉक्टर साहब दुप अत मुतलक ज्येष्ठा प्रादुर्भाव सह नायाब मगर मे फादर ला जगन्नाथ जी शिवो सिंह का लीचमत बस कर प्रयत्न यह पन पस्तार यह बनो शीतु ज्येष्ठा माता हिंद लक्ष किताब हिंद छपन तो क्या यह क्या ओर ग अत पत्किन क्या अमुक सो सार अम सादुर्भाव मतलब इस कैसा व्याख्या यह गई ज्येष्ठा प्रादुर्भाव अत किताब मन यो छमन जन ये अमुक लिखमत अत पर्पज तम कान अस लुफ्त ग ज्येष्ठा माता हंद क्या भाव यह संस्कृति यह सोर् सर्वसव बटल सोन अस पन्न बरदरी हूँ इसशर असली पन सोन ज्येष्ठा माता शारिका माता रगिना माता और गसो अत करो कलस सर सर नमराव पादन तल यह सोर् सान मई सान डॉटर्स सान हमशे बड़ भाव सान तेज भाव ज्यादा अस फलसफ भाव सो भाव अत मन दिताबी ये पारन ते किताब शायद कह छोट पहन इथे कहीं बाकी गेर ताकि अमुक गचार यु जन अस ये गसान क्या पत्क दलील
یِتھَے کٔنۍ یِم بھٲرو یِم سٲنۍ چھِ ییٚتہِ اَشٹ بھٲرو یہِ چھُ اَمیُک مےٚ پَتہٕ نہ مین وَنُک یہِ کانٛہہ یہِ گوٚژھ سارنٕے میٛانٮ۪ن یِم زَن یُس اَسہِ چھِ مےٚ چھُنہٕ بوزُن یہِ کَلچَر پَلچَر کینٛہہ تَگان پَنٕنۍ پٲٹھۍ یِم زَن ماجہِ بیٚنہِ بٲے چھِ یِمَن گوٚژھ پَتہ لَگُن اَما یہِ چھُ سون چھُ کیٛاہ یہِ سورُے سٲنۍ یِم بھگوان بھگوتی زیشٹا بھگوتی رگنا بھگوتی باقٕے بھگوتی یِم زَن چھِ سانہِ یَتھ یِہِنٛدِ دَیایہِ کِنۍ أسۍ وٕنہِ تہِ چھِ پَکان یِمو زَن اَسہِ ہمیشہٕ اَتھ پَتھ تھوٚو اَمہِ سۭتۍ روزِ اَسہِ پَنُن پَن تہِ برابر یِم کَتھٕ گژھِ واتنہٕ تہِ تہٕ اَتھ مُتعلِق گوٚژھ کینٛژھا بیٚیہِ تہِ گیان ہیوٗ گژھُن سَمَے مۄکلیو وۄنۍ ووتُس بہٕ چھُس ہَردُک پَنہٕ ؤتھرٕے وۄنۍ مگر تہِ کٔرِتھ چھِ کانٛہہ چھا واقعی یُس یہِ وٕنکٮ۪ن لُطف گژھُن سون چھُ سورُے احساسا یہِ باو تہٕ یہِ گوٚژھ بیٚیہِ اَکہِ ساتہٕ اَتھ کُنہِ جایہِ گَنٛڈ ہیوٗ لَگُن سارنٕے گوٚژھ پَتُن بیٚیہِ کَرو أسۍ مٲج زیشٹے کٔری دیا ؤری دیا مٲج رگنے کٔری دیا ؤری دیا مٲج شارِکٔے کٔری دیا وٕنکٮ۪ن چھُ سَمَے سٮ۪ٹھاہ گوٚمُت خراب وجہ چھِ أسۍ گوٚو شرٛدا مۄکلے کارَن چھُ أسۍ گٔے سٮ۪ٹھاہ اَگوگٔتی منٛز تِکیٛازِ یِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ زَن سُہ پوِترتا اوس روزان گَرَس منٛز فروزَر اوس روزان مان اوس شانت روزان یِم سَمجہِ کہِ واوَس منٛز گٔے یِم ذرا أسۍ آیہِ کٲشِر پٲٹھۍ گٔے أسۍ گٔے واوَس سۭتۍ پَتھ ہیوٗ اَمہِ سۭتۍ تہٕ یہِ گوٚژھ بیٚیہِ اَکہِ ساتہٕ نَیہِ سَر شروٗع گژھُن سَرو منٛگل منٛگلی شِہے سَروہارتھ سہارا کِہی شِرنے کرمبکے گوری زیشٹا ماتا وندے زیشٹا ماتا کرنا وِناشنی یہِ کَتھ کٔرِتھ رام सामवेद में गाई जाती हैं ये सामवेद स्वरूपा है आपको धूमावती स्वरूप में भी देखा गया है ध्याया गया है जो कि दशमह विद्याओं की एक देवी हैं और ज्येष्ठा भगवती अनादिकाल से पूजनीय है कश्मीर प्रदेश में कहा जाता है गोपाद्रिया के काल में वहाँ शंकराचार्य के नीचे जो जबरवन आजकल कहा जाता है दरअसल गोपाद्री पर्वतमालाओं के प्रांगण में एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है आजकल जिसे हम जिठियर कहते हैं ज्येष्ठा देवी गोपादित्य की महारानी का नाम भी था तो उनके लिए ज्येष्ठा का जो ये मंदिर है ये बनाया गया था तो वो हर रोज यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आती थी बहुत बहुत सुंदर विवरण जो विशन जी ने दिया दोनों पुस्तकों के बारे में जैसा उनको उनको भी प्रेरणा हुई थी और सामने आए और उन्होंने इसका इसको पब्लिश किया सहृदय आभार विशन जी को भी और जितना ये तो टीम वर्क था डॉक्टर चमनलाल जी और जितने भी ऑथर्स हैं लेट श्री जगन्नाथ सिब्बू जी और आप सब के उससे प्रयास से क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं पब्लिशिंग कोई आसान काम नहीं होता है और उसको करना भी एक चैलेंज रहता है और कोई इसमें कोई दिल्ली में बैठा है कोई अजमेर में बैठा है कोई कहीं बैठा है तो मतलब एक बहुत बड़ा प्रयास और ये सब कृतियाँ जब हमारे सामने आती हैं तो हमें एक स्पष्ट रूप से एक उसका जो है एक आधार जो है उसका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है और प्रकट होने में समाज का भला होता है कि वो राइट डायरेक्शन लेते हैं जो हमारे शास्त्रों का जो बारीकी बारीकियां होती हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको समझने में आसानी होती है क्योंकि हम प्राचीन काल से तो जो ये संस्कृति चली आ रही है सहस्त्रों वर्षों से उस संस्कृति का जो समावेश फिर जो स्वरूप हमारे सामने अब वर्तमान में है उसको तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश बहुत युगों से होती आ रही है सेंचुरीज से होती आ रही है और उसमें एक समय यह भी हुआ कि शारिका भक्तों को ये चैलेंज था कश्मीरी में गायन बंद हो गया जो लोकल भाषा थी उसमें गायन बंद हो गया तो हमारे संत मुनियों ने क्या किया
उन्होंने फारसी में लिखना शुरू कर दिया, पठान राज हुआ करता था या जो भी था, तो उन्होंने अपना अपनी अभिव्यक्ति को रोका नहीं। बहर सूरत कुछ भी प्रयास करो, हम नहीं रुकने वाले, हम मिटने वाले नहीं हैं, ऐसी कर दौर पतवत। तो ये हम तो शाश्वत सत्य के पुजारी हैं और उसके भाग हैं, हिस्से हैं, तो हम मिट कैसे सकते हैं। तो मेरे जहन में स्वामी कृष्णकार जी की पंक्तियां आती हैं, जो जिनको मैं गुनगुनाना चाहूंगा। वंदे शिला त्वमीश्वरी शीशारिका देवी नमः, मिहिरे चराचर सुंदरी शीशारिका देवी नमः। वंदे शिला त्वमीश्वरी अव्वल तुई आखिर तुई, अव्वल तुई आखिर तुई, बातिल तुई अजाहिर तुई, गायब तुई हाजिर तुई, शीशारिका देवी जगरा सचे सामा तुई, शाहे शहन शाहा तुई, जिसमें जहानो जान तुई, शीशारिका देवी नमः। वंदे शिला परमेश्वरी शीशारिका देवी नमः, शीशारिका देवी नमः। लक्ष्मी जहां आरा तुई, लक्ष्मी जहां आरा तुई, बुद्धि महा विद्या तुई, श्री शीशारिका देवी नमः, शीशारिका देवी नमः। वंदे शिला त्वमीश्वरी शीशारिका देवी नमः, मिहिरे चराचर सुंदरी शीशारिका देवी नमः। देवी जगत माता तुई, शिव शक्ति गुरु दाता तुई, देवी जगत माता तुई, शिव शक जगत दाता तुई, माता पिता ब्राता तुई, शीशारिका देवी नमः। वंदे शिला त्वमीश्वरी शीशारिका देवी नमः, शीशारिका देवी नमः। शारिका देवी नमः, ज्येष्ठा देवी नमः, ज्वाला देवी नमः, महाराजना देवी नमः, देवियां चारों ओर से, और हमें हम सब देवियों के बीच में गिरे हुए जितने भी कश्मीरी हैं, और वहाँ शिव एक अमरनाथ में विराजमान राजा की तरह
एक पूरे विश्व के, पूरे सृष्टि के राजा और पूरी सृष्टि की रानी हमारी माता शारिका कहिए, ललिता कहिए, महा त्रिपुर सुंदरी कहिए। मैं अब उस आज के इवेंट के वीडियो की ओर इशारा कर रहा हूँ जो कि हमारे पद्मश्री माननीय पंडित डॉक्टर सुधीर कुमार सोपोरी जी ने हमें कृतार्थ किया और इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे उन्होंने इसको अंजाम दिया, रिलीज किया। और मैं चाहूँगा कि सारे अपने मतलब उपस्थित रहें, इस वीडियो को देखें, बहुत प्रयास से बनाया है। प्लीज़ प्ले दिस वीडियो ऑफ रिलीज। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज ये किताबों का यहाँ पे विमोचन हो रहा है और वो किताबें चक्रेश्वर और माता शारिका की उसके बारे में लिखी गई है। ये बचपन की यादों को फिर ताज़ा कर देता है कि कैसे हम लोग 1990 से पहले वहाँ जाया करते थे और माँ भगवती का आशीर्वाद वहाँ प्राप्त होता था। सारे लोग मिल के आरती किया करते थे जी। और 90 के बाद भी मैं वहाँ गया हूँ क्योंकि मैं स्वामी लक्ष्मण जी के आश्रम में जाया करता था, तो वहाँ से फिर इन तीर्थ स्थानों पर भी फिर जाने का मुझे कई बार मौका मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि इन किताबों को पढ़ के बाकी लोग इसकी जो वो प्रेरणा मिलेगी उनको कि वो वहाँ जाएँ और देवी का आशीर्वाद वहाँ से प्राप्त करें। नमस्ते और आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार सुपोरी जी, पंडित एडी विशन जी, पंडित राजेंद्र प्रेमी जी, पंडित रामकृष्ण जोशी जी, नाथ बिंदु दलीप लंगू जी द मास्टर सेरेमनी एंड श्रीमंत ज्योत्सना जी एंड ऑल द लर्न स्कॉलर्स ऑफ द शक्ति ट्रेडिशन लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम। आई एम कल्हन रैना, एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट इंडिया यूनिवर्सिटी स्टडीइंग बिजनेस मैनेजमेंट। I have passed my Hindi as a foreign language in my undergraduate courses. In my home, we speak Hindi. And I've learned a little bit of Kashmiri with the help of my grandparents, Dr. Jamalal Raina and Jaya Sibuji, though I was born in the United States. Through Dalip Ji's album, I have learned the recitation of the Indrakshi and some slokas of the Panchashtavi from my parents, as well as some hymns from Sri Durga Saptashati from my grandmother. I've helped my grandfather, Dr. Raina, in typing the two books in English, and its typing has helped me a lot as I would have to consult the Sanskrit English language dictionary available on the internet. Through that, I've learned a lot of vocabulary. I would like to share about the book Jyeshta Pradur Bhava and what I've got from it. What is the meaning of the word Pradur Bhava? It is a Sanskrit word meaning manifestation or appearance. Jyeshta means eldest one in Sanskrit. Jyeshta is related to Lakshmi in Kashmir, having its abode known as Zithir on the hill facing Dal Lake. I myself was blessed to have the opportunity to visit Zithir when I went to Kashmir with my family in 2014, and it was quite an experience. Zithir is associated with the Brihaspati Vad, known as the Braswad in Kashmiri. Brihaspati is the guru of the devtas. We offer tehari, which is a turmeric-infused cooked rice with oil and salt for taste. It is a naivedya offered to the Devi, and it is one of my favorite parts of Kashmiri holidays and of prep. We read the Amritesh Mudrata Amrita Kritya Mantra, concluding with the Durbhya Upadurbhya Annam Amrita Rupena Pratigrahetam.
divinity is inside the human body. It's within the human body, as the body is the vehicle for the Atma or the self to realize the supreme Shakti within. I've learned some mantra having its source in the Vedas and Agamas, read with the Kashmiri Shaivism. Thanks to the Rishi Lafjakshi, who happened to be the greatest scholar of the Vedas and Agamas of the ancient heritage of Kashmir. As mentioned earlier, the abode of Jyeshta is known as Yathir. Jyeshta is being invoked as the Vishnu Maya, the integral self of Vishnu, on the Sri Panchami in the month of Chaitra of the Vedic calendar. The reference to the Jyeshteshvara is in the Nilamata Purana. The puja brings peace, progress, and prosperity. My observation on Chakreshwari takes me back to the study of Sri Sharika Sahasranam, read with the Lalita Devi, translated by Dr. Rena in Hindi for the Gopinath Research Center of Uttamnagar, New Delhi. The Chakreshwari is the essence of the Sharika Sahasranam with 1,000 attributes. When we read the attribute Lalita Adibhyo Namah, Lalita, etc., in the Naivedya Mantra, we feel a realization of the Shakti. After going through the books of Dr. Rena, I learned that these are but the Sapta Matrikas related to Sri Chakreshwari. The Devi is adored as the Haridra Anna Rasikai Nama, which means that the Devi likes Haridra Anma or Leduir Teher in Kashmiri. Just see that the impact of the Shaktivad is in our Kashmiri Pandit rituals, both in India as well as abroad. We cook the her on our birthdays and our Ashada Navami, the appearance day of Sri Sharika, and on the days attributed to the Bhairavas. During my work on the projects, on the Shakti as the Divine Mother in the Bal Vihara classes, I, along with my younger sister, made the replica of the Hari Parvat, where Sri Chakreshwara is Siyavambhu, or self-appeared chakra. Our grandmother would teach me the Maya Kundalini shlokas and would focus how this book will help me as a student of Indic studies read with the Kashmiri Shaivism. My project study tells me that every Kashmiri family has got Ishtava Devi like Sri Raginya at Tulumul, Sri Sharika at Parbat, Sri Jwala at Kru, Sri Bhadra Kali, and Tripura Sundari, along with the Ashta Bhairavas. Wherever we would be settled after the Kashmiri Pandit Exodus, we have the same Ishta Devi and the Bhairava. No doubt some read it as Staneshwara Bhairava now. To know our religion and our cultural heritage in the Shakti Vimarsha, the Chakreshwara Puja and Stuti is very important. The books were in the Sharada script, later transliterated in Devanagari by Pandit Keshav Bhatt Jotsi of Renavari in the early 20th century. But these sacred texts are in Sanskrit, so I cannot read them or fully understand them. But I do wish to know the meaning, as its essence and its application are in my Kashmiri social fabric. The Lalita Sahasranamna Eka Rupini and Shakti Upana Nirupanam, written by Dr. Rena, published by revered Pandit A.G. Vishenji, will serve readers or researchers a great gift by the Sangat Sanastha at Noida in the field of Shakti tradition. Who do not know Sanskrit and cannot read Sanskrit, but can know it, will have the ability to know it through English translation, annotation, and explanation. Sri A.D. Vishenji published 4 books so far, authored by Dr. Rena. Be glad to know that actually my grandmother J.S. Sibuji has written many spiritual poems in Hindi and Kashmiri on Sri Chakreshwara and on Trikacharya, Swami Ramji and Swami Lakshmanju Maharaj, on Lalishwari and Alak Sahiba under the title Mantrik Bhajan Deepika. I have read Pandit Jagannath Sibu's book Kashmir Shakta Vimarsha, being the reference book on the Vimarsha aspect of Kashmir Shakta. The painting on the cover page is according to the Sharika as the Bhattarika, with Feran Lunga Zuj, Drang with Narivad, according to the Dhyana Sloka of Sharika.
The attire has been changed from sari to feron. This means to go, you know, with the roots. The image of Sri Jyeshtha on the cover depicts the Dhyana Shloka of the Vaishnavi character as Vishnu Maya, as yellow color is liked by Vishnu and his Maya. Lakshmi is the feminine aspect. Regarding the painting inside the book, it is applied Trika Darshan drawn by Dr. Abhinav Kamal Rena of Ajmer, a college professor and a wonderful artist. That is all I have. I am so very grateful and personally thankful for all of you for taking the time to listen to me. Jithin pranam tu namaskar bhai mailov kat karav hechav panin zaban. Namaste. This was beautiful. The Kashmiri Panch at the end. Both these books, whosoever is desirous to have them, can contact us. Can contact Vishenji, Dr. Saab, and we'll provide these to you. But at the same time, I wish to thank Kalhan Raina for his beautiful presentation. He thanked everybody whosoever took part in this beautiful session. And this book release has happened now. Dilipji, Chaman Lal ji is there, if you can speak for one. Okay, minute. Okay. I can see Dr. Chaman Lal Raina ji. Dear Nath Bindu ji, Ashirwad, as you know, I developed some problem in my throat. Still, I viewed the whole program hosted by the Sangat Noida, chaired by Pandit A.D. Vishen ji and co-hosted by Milsar Television. Pandit A.D. Vishen ji is the publisher of Sri Jyeshtha Pradurbhav and Sri Chakra Stuti under the subtitle Sri Chakra Priya Bindu Tarpanapara. It was he who insisted me to work on these two sacred texts related to the Shaktivad of Kashmir. At the very outset, I would like to thank Padma Shri Dr. Sudhir Kumar Sopori ji for being gracious enough in launching these two books in spite of this pandemic's problem around. I do convey my regards to him for his wonderful speech at the launching hour. I thank Sri Kuldeep ji Call for getting the message videoed from Sri A.D. Vishen ji. I thank Pandit Ellen Tikku ji, Srimati Soni Ganju ji, Divyansh ji, who did participated in this sacred occasion. Jaya Sibbu ji, thanks Srimati Jyoti Rajdan ji and Srimati Veronica Peer ji for reciting the two bhajans in very serene and dedicated manner, thus invoking the blessings of Sri Sharika. I thank Pandit Rajendra Premi ji, a social activist, for introducing me and my works. I thank Pandit R.K. Jyotshi ji for tracing the source of the manuscript Jyeshtha Pradurbhava at Rainavati. My sincere thanks to A.D. Vishen ji for publishing these two books just to keep the Shakti tradition of Kashmir intact. Known through English language for the young boys and girls. I thank Pracharya Rakesh Kaul ji for looking after the web program in continuity and Malini Sara for the entire logistic support. I also say thanks to Kalhan Raina for summing up the program. I thank the audience for being considerate to be in close touch with the web launching. I assure all of you that I will present an exhaustive lecture on the sacred sutra Priya Bindu Tarpanapara, which stood the theme of the launching program. As it is my dharma, sacred duty, to say dhanyavad, thanks to all those who participated in this launching program. Thank you. Urzu. So, ye ek anugrah hai jo sab jagah pahunchega aur ye aashirwad hum sab ko praapt hua hai aur ab sirf is amrit ka paan karne ki hi deri hai. To main ek पंचस्तवी के श्लोक से आप सभी से आज्ञा लेता हूँ. तम चंद्रिका शिशिन तिग्म रुचौ रुचिस्तम तम चेतनासि पुरुषे पवने बलम तम स्वादुतासि सलिले शिखिनि तम ऊष्मा निस्सारमेव निखिलम तद्रदि यदि स्यात. ये देवी, तुम तो सब आयामों में, तुम सब तरफ से व्याप्त हो. अगर आपकी उपस्थिति नहीं रहती है तो ये सारा विश्व जो है निस्सार है, नीरस है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सारहीन है. तो मैं आप सब से आज्ञा लेता हूँ, धन्यवाद. सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद. अहि उर्जु.
आई तो बात